कर देगा इलाज, डॉक्टर बैठे किस लिए है। लोग टेंशन देख रहे हैं, जब चालान करे करेंगे कूले की जो हड्डी हो वो गुल्ला। सभी दोस्तों को नमस्कार, इनका भी हैप्पी बर्थडे हो, अपना हैप्पी बर्थडे। आज मौसम में है ठंडक, ठंड सी महसूस हो रही है, हम भी टी शर्ट पहन आए मौसम के हालात को देख कर। सभी दोस्तों गर्मी रह गई, आज हो रहे हैं बादल और हो सका है इधर उधर को कहीं ना कहीं को बारिश भी पड़ गई हो, इस वजह से ठंडक है बहुत मौसम में सुबह सुबह। बाकी हम चल दिए जी जिम, अपना सेम रूटीन अपनाएंगे 3 दिन बाद। तो जी जिम कर ही आए हैं, 2 दिन के बुखार के बाद केवल 75% एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करी, मतलब वेट कम चला आज दौड़ने के मुकाबले। लेकिन बुखार के बाद तो ऐसा हो गई है, अगले हफ्ते तक शायद रिकवर हो जाए मामला सेरा। बुखार तो मुझे हल्का हल्का भी लग रहा है एक्सरसाइज के बाद, वो तो क्या थकन की वजह से होगा। तो ये जिम से आने के बाद अब हम चल रहे हैं जरा खेत पे, गुड्डू गया उसे देख के हम क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या रेट खुद रही है? फ्री में हमारी और खुद नहीं है भैया, तो चलो हम पैसे भी देंगे, पहले पैसे वाला काम कर लो। तो पहले इसे रिश्ते देने पड़ेंगे। क्यों भाई? पैसे दे, पैसे वाला काम पहले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले भी क्लास में जरूरत ना है। जरूरत ना है तो और भी हमारे साथ चलो फिर, तो और भी टेंशन मतलब क्यों ले रहे हो फिर? पहला ऐसा आदमी मिला जिसे पैसे जरूरत ना है और फ्री फंड में मेहनत कर रहा है, तो जिम चले करो यार, बिना पैसे का तो वहाँ करो काम। तो जिम की क्या फायदा, इसमें इसमें तो पैसे मिलेंगे ना फिर बाद में, अब पैसे तुम्हें जरूरत है नहीं। जुतवा दे खेत इसे, जुतवा दूं। ये गुड्डू कर रहा है इस कार्रवाई को, हमारा जो है बुखार अभी पूरा तरीके से ठीक है नहीं, तो इसलिए हम तो ज़्यादा फावड़ा काम बहुत कर रहा। जम रही है ना गुड्डू, और थोड़ी बहुत जम रही है ना, दिखाई दे रहे हैं नीचे के पोए यार, घास देखो मोथा पक गया, मोथा जो है पक गया इतना, आग बहुत है। ट्यूबवेल तो चालू हो गया इनका, अभी इनकी भर जाएगी, पेड़ी में चल जा रहा हो जी के मैं, उसके बाद भरेंगे हम भी अपनी। चाचा गन्ना भी ख़त्म ही हुई है यार। तो जी खेत पर से अब हम चल दिए घर को, हमें जाना है मुरादाबाद, हमारी मामी जी की तबीयत है ख़राब, तो वो मुमेर लेके आएंगे उन्हें, एक डॉक्टर के यहाँ दिखाऊंगे, तो मैं भी जाऊंगा जरा वहाँ तक। जी मीनल बाबू आज पढ़ने नहीं गए, क्यों नहीं गए भैया? मैडम डांटती हैं। मैडम कहाँ डांटे, मैडम से प्यार से बात कर कर, तू बताइए कि मेरा मैम मेरा स्टाफ है। हाँ स्टाफ बताइए, फिर मैडम ने डांटेंगे तुझे, बता दिए ठीक है। कल को पढ़, असल में इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही आज, इस वजह से भेजी है, ठीक है कल को जाइए। शैतान जी, हम निकल दिए मुरादाबाद के लिए अपने वाहन से, ये दो चिट्ठी हो रहा है जरा, रिश्तेदारी में एक दावत है बुआ जी के यहाँ, वहाँ की चिट्ठी है तो जी पहली चिट्ठी तो ये देनी है ही इनके चचा के यहाँ। राम राम साहब, ये है साहब आपकी चिट्ठी, कार्ड एक है, ठीक है सर, डिलीवर्ड हो गई, जब पढ़ लियो उन्हें भी दिखा दियो, सब भई हो गई है। चलो चलो ठीक है, राम राम जी। जी एक चिट्ठी बची है कोकापुर की, सचिन के मामा की, तो इसे ही पहुँचा के जाऊँगा, रास्ते बड़े होंगे घर। बाकी हरवीर सिंह खेती कर रहे हैं तैयार अपना, अभी वो ध्यान नहीं कराना तो आवाज़ मार दे भी महाराज, और हमें भी चलना अमराबाद पहुँचना टाइम से, जी घर पहुँचने वाले हैं, फोन आया उनका जल्दी जल्दी जी। दूसरी चिट्ठी देनी है मामू के यहाँ, अभी खटखटाना पड़ेगा कोई सा गेट, सब बंद पड़े हैं इनके, तो चिट्ठी दे ही दूंगा पहले। मन खड़ा कर दिया हमने यहाँ, डॉक्टर साहब का CCTV कैमरा लगी रहा, अभी ध्यान रखेंगे, और हम पकड़े जरा बस जी, लग जी बस में बैठ गए हैं, बस खाली पड़ी है अभी, पॉइंट में चलाने कह रहे हैं। दो आने वाले टाइम में एक कैमरे
लोग टेंशन देख रहे जब चलान करे करेंगे। अभी तो चलान बंद है यार इनमें तो। जी बस से उतर गए हम, अब हॉस्पिटल भी आ गया कटकर कोतवाली के ठीक सामने है आशीर्वाद हॉस्पिटल। ये हमारी मामी जी बेचारी इस टाइम परेशान हैं, मामी ने पाल लिया पत्थर है मामी। ठीक हो जाओगी, ज्यादा चिंता मत करे करो, बस दर्द ना होना चाहिए। अब डॉक्टर कर देगा इलाज, डॉक्टर बैठे किस लिए हैं। तो जी वो भी जाने को तैयार है बिल्कुल अजीत घर, और मैं भी पकड़ू जरा लग्जरी बस आने वाली है। हम डॉक्टर साहब के यहाँ को मोटरसाइकिल भी लग गई धोनी को। तो जी शहर से पहुँच गया अब घर। अब मैं बताता हूँ तुम्हें मामी की बेचारी समस्या। असल में उनके गुर्दे में हो गई है पथरी, और पथरी भी है मोटी, लगभग 24 mm की है। अब वो दूरबीन वाला ही ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं अब, क्योंकि उम्र भी है उनकी लगभग 60 के करीब करीब, तो उसमें जो है उम्र के लिहाज से खुला हुआ ऑपरेशन सही नहीं रहेगा ज़्यादा। डॉक्टर ने तो ये सजेशन करा, हालांकि परसों को फिर बुलाया डॉक्टर ने, अभी वो देखभाल के डॉक्टर जब बताएगा पूरी जानकारी। और बाकी जी मैं अब घर आके अब जा रहा खेत पे को। और हाँ एक बात और बताऊँ, हमारी बेचारी मामी भी बड़ा परेशानी झेली पड़ी, पीछे अभी कूलर टूट गया उनका, कूलर की जो हड्डी हो वो गुल्ला, तो वो भी अभी ऑपरेशन से उभरी भी नहीं ढंग से, दूसरी आफत योग वाली पड़ गई। समय है जब तक दुख देगा समय, जब तक तो झेलना पड़ेगा जी, मजबूरी कुछ विकल्प भी ना है, लेकिन संघर्ष है जीवन का तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प भी तो ना उसके अलावा। खेत पर पहुँच गया जी मैं, इस खेत की जुताई करके डालता हूँ मैं अब कल या परसों में, इसमें लगवाऊंगा कंप्यूटर, धानों की पौध के लिए देखता हूँ कहाँ बोऊंगा, जुताईदार पकड़ता हूँ कोई इसके लिए, इसमें लगवाऊंगा आपका धान। हालांकि देखो फैसला तो आदमी सोच के ले गया अपने हिसाब से, अब मैं इस बार गेहूँ का करना तो बो नहीं रहा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें धान लगाया जाए मैं पहले, मतलब अभी का जो प्लान है, बाकी अगर चेंज होता रहे आज ये सोचा है तो अक्टूबर वाला गन्ना बोने की सोच रहा हूँ मैं, इसमें धानों के बाद तुरंत, और उसके बाद साथ सरसों बो दूँगा। तो फिलहाल का तो समीकरण चल रहा मेरा ही हो, बाकी अभी अभी और क्या फैसला, अब तो गन्ना तो खैर बोने ही ना। और मैं तो भैया सभी किसानों से कहूँगा, समझना अपना अपना है, अपना अपना तरीका, आप ऐसे तो खैर करनी अपनी तरीके चाहिए, लेकिन मेरी मानो तो गन्ना तो खैर कम जरूर करो, उत्पादकता बढ़ गई है, गन्ने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, हर एक कोई हाथ जोड़ ले चीनी से, चीनी की उत्पादकता बहुत है। तो अपना सरसों धान ये भी लगाओ, अपना खाने की चीज़ तो घर की कम से कम हो ही जाओ अपनी जी। अब देख रहा हूँ किसान हमारे गाँव में जो चावल बेचने वाले आम हैं, उन्हें बता के यहाँ चावल बोते ही ना जाते लोग, तो चावल का मार्केट बना हुआ हमारे गांव में, तो यहाँ भी चावल बेच रहे हैं लोग बाहर, तो कम से कम खाने पीने की चीज़ें तो बेसिक चीज़ें तो अपनी बोई ले में। बाकी जी आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।